ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप चलते कोर्ट में बाधा डाल रहे हैं। तो मैं चलते कोर्ट में तेरा दादा डाल दूं? कंगना जी, कौन है ये टर्किश चुड़ैल? और मैं जज हूं यार। हाँ, और जज के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें काले पानी की सजा देता हूँ। काले पानी की? मेरे को नींबू पानी की सजा दो देनी है तो मेरे को काला पानी में करा। वकील साहब, आप दो मिनट के लिए सांस रोक के प्लीज। क्यों क्यों क्यों? सबने ले ली है सांस भाई, सारी ऑक्सीजन आप ही खींच रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं, गणपति महोत्सव चल रहा है, लेकिन मेरे को आपका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपकी बॉडी के साथ जाइन राइस को डिलीट करा दो मुंह को। तो मेरा मुंह है कोई मोबाइल का एप्लीकेशन है, डिलीट कर दूं मैं। डिलीट कर दूंगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, बुलेट ट्रेन आ रही है? है? नहीं तो? तो ये झाड़ियों की साफ कराई आपने? एक शब्द भी अगर आपने और कहा ना तो ऐसा हाल करूंगा कि सारे के सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मैं इनको फांसी पे चढ़ा दूंगा ना, फिर लोग आएंगे और कहेंगे जैसा भी था आदमी अच्छा था। तारीफ हुई? काश ये चुटकुला हंसी वाला होता। कसम से आपका मुंह उतना गंदा नहीं लगा जितना गंदा आपका चुटकुला था। मुझे आपका चुटकुला सुन के वो आ गया अपना, क्या? वो आ रहा है अपना वो टॉयलेट नहीं गुस्सा। तो गुस्सा आ रहा है तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे गुस्से में टॉयलेट आता है हमेशा। मैं कंगना जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया सिर्फ। अच्छा। नहीं तो मेरी वाइफ भी मुझे मिलने को बुला रही थी। हाँ। मैंने कहा तुमसे मिलने कल आऊंगा, मैं फिलहाल कंगना से मिलने जा रहा हूँ। वाइफ से मिलने क्यों जाना पड़ा, साथ में नहीं रहती है? नहीं, वो अपने पति के साथ रहती है। ओ, अब मैं कसम से बताऊं, जब आपकी फैशन फिल्म आई, मैंने सेम वो वाली साड़ी बनवा के पहनी, मैं नाचा बड़ी खुशी में। वो तो मेरे पिता ने रोक दिया, नहीं तो मैं जलवे बिखरने वाला था। देखिए आपके जलवे हम बाद में देख लेंगे, मेरे केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो कंगना जी, पहला जो आरोप है वो हमारे मोहल्ले की 50% महिलाओं ने आप पे लगाया है। क्या? बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, सपना पे अत्याचार बंद करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपने तो कहा था 50% महिलाओं ने इल्जाम लगाया हुआ है। हाँ तो ये 50% महिला ही है। बाकी का 50% तो गोविंदा है ना। और जिस दिन गोविंदा यहाँ पे आ जाए उस दिन ये 0% हो जाती है, भाग जाती है ये। बंद करो भाई, बंद करो, गोविंदा का डांस करना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, दोस्तों को शोपे लाना बंद करो। अभी तो कुछ नहीं बोलेगा बीच में, मेरे को कंगना जी से बात करने दे। हाय कंगना जी। Hello. कैसे आप? वेरी गुड। आप अच्छे है ना? क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? मेरा लव लाइफ बहुत खराब चल रहा है कंगना जी। अच्छा? कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता। अच्छा? अभी हालांकि लॉकडाउन में एक जंगली लड़के के साथ मेरा अफेयर हुआ था। है? हाँ, जंगल में ना मिला था। हाँ। वो मेरे को उससे बहुत प्यार था। हाँ। फिर उसके परिवार वाले मेरे को देख के बहुत खुश हुए। उन लोगों ने मेरे को घर पे बुलाया था। फिर अपना कॉस्ट्यूम भी पहना ऐसा पत्ते वाला। और फिर मेरे को ऐसा हल्दी लगाया उन लोग ने। फिर मेरे को ऐसा बेसन लगाया। लेकिन जब वो मेरे को कढ़ाई में डाल रहे थे ना, तब मेरे को अर्चना जी रियलाइज हुआ कि मेरे को उधर एज लवर नहीं है, डिनर बुलाया है। फिर मैं उधर से ना भाग गई। हाँ, भागती है बहुत कमाल का है। जिस दिन गोविंदा जी का एपिसोड होता है उस दिन तो 100-200 किलोमीटर दूर भागती है ये। ओए मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, ये बताओ इधर करने क्या आई हो? अबे ओ, मुगलों के युद्ध में भागी हुई घोड़ी के बाल छीनकर अपने सर पे बाल लगा के जज बने हुए आदमी। मैं एक्चुअली यहाँ पर कंगना जी पे केस करने आई हूँ। अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को आपका मुंह अभी भी पसंद नहीं आया। मैं इंतजार करूंगा। कमाल की बातें कर रहे हैं यार, इन सबको छोड़िए, तुम्हें आरोप लगाना था ना इल्जाम। हाँ, हाँ। लगाओ इल्जाम। दो मिनट खड़ा हो, मेरी पीठ थक गई। इधर दो मिनट खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा। अरे वकील साहब, आप भी खड़े खड़े रह के से थक गए रहेंगे ना? थक तो गया हूं। हाँ, तो मैं बैठती हूँ। अरे मेरा इल्जाम है मैम, मैम आपसे मैं मिल चुकी हूँ ना पहले। हाँ, आप यहाँ पर आए थे। हाँ जी। मेरा पार्लर था इधर। इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ दिया मैम। और जब अपनी चीज टूटती है तो अंदर से क्या फीलिंग होती है ये तो आपको अच्छे से ही पता है।
ये क्या हो रहा है? अब अगर आपकी आवाज आई तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा। तू अंदर करवाएगा? तू खुद 4 साल बाद नए शो पे आया बुढ़े, तू क्या हमको अंदर करेगा? तू अंदर जा, समझा? और अपना म्यूजिक का प्रैक्टिस करिए, गाने पे वो गाने पे गाना, बुआ बुआ। ये जो तू करता रहता है ना, मैम ने भी बोला ना एक ही गाना करता है वो मैम। हाँ जा, नया गाना कर, फुट ले। और सुन सुन सुन, हाँ तू भी कल फैमिली को लेके लोनावाला घूमने चले जाना। काय को? गोविंदा जी आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। नतीजे में बड़ी जल्दी पहुंच गया। परसों तेरा दादा शराब पी के नाली में गिरा, उधर पहुंचा नहीं तू। वो तो दादाजी ने सिखाया था ना, गिरी हुई चीज नहीं उठाते। ए फालतू की बातें बंद करो। मैम मेरे को इंसाफ चाहिए। और मुझे इसका मुंह साफ चाहिए, मेरे को हजम नहीं हो रहे दोनों के मुंह। इरिटेटिंग। ठीक है, तो अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि सपना के साथ गलत हुआ था, इसलिए इसका पार्लर बनना चाहिए और मुंह डिसमेंटल हो जाना चाहिए। अगर तूने अच्छी बात की होती ना तो मैं तेरे को दाद देती, लेकिन तूने जो ये बात की है ना, मैं तेरे को पात देती हूँ, जा। और वो भी इसका इतना। तो ये बड़ी बदबूदार दलीलें दे रहे हैं आप लोग। तू ही बन जज, मेरे को नहीं बनना भी। तेरे को तो गिफ्ट ही बड़े अजीब अजीब मिल रहे हैं, मैं वकील ही ठीक हूँ। कंगना जी आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, आपका पार्लर मैं बनवाऊंगा। अबे वो डबल स्टोरी मुंह वाले आदमी, उनका पार्लर नहीं टूटा है, मेरा पार्लर टूटा है। अरे टूटा तो उनका भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक पार्लर ही बनवा पाऊंगा। अच्छा कंगना जी देखिए, इसका खुद का बॉडी का कंस्ट्रक्शन तो खराब है, मेरा पार्लर ये कंस्ट्रक्ट करेगा, बढ़ाया। और मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो यार, तुम्हें इल्जाम लगाना था। नहीं, इस बार तुम्हें आरोप लगाना है। हाँ, हाँ, लगाओ। लगाऊं? मेरा आरोप कंगना जी पे है। कंगना जी आप इतनी खूबसूरत क्यों है? सच्ची में मैं बताती हूँ, हमारे नाला सुपर में ने जितने लड़के लोग हैं वो सारा दिन कंगना कंगना करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, कोई घास ही नहीं डालता, ये मेरा आरोप है इनके ऊपर। मैं ठीक है, आरोप है तो है, लेकिन मैं टेक्निकली जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हें कोई देखेगा क्यों? वहां देखो वो है परी, तुम झाड़ के बिछाने वाली दरी। नहीं कंगना जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह कैटरीना कैफ बन के अपने घर से निकलती है, जरा सी बारिश आती है मोहम्मद कैफ बन जाती है। मैं चाहे कुछ भी बनू, तेरे से क्या लेना देना, तू चल फुट ले। कितना लू? 5 फुट ले। मैं 5 फुट का, मैं 7 फुट लू? मैं 20 फुट गाड़ दूंगी तेरे को, जमीन के अंदर। बकवास बंद करना। हट हट अंकल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरोर अंकल जी, इसके मुंह पे 2-4 बातें करो ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ इसका मुंह उड़वा दो किसी को बोल के। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जैसे आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया है, इसको उसने किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया है। उन्होंने ढाबे वाले को दे दिया, उसने मिट्टी इकट्ठी की, ऐसे देखा नहीं वो और इकट्ठी की, कहता चलो जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है। कंगना जी, मैं अगला आरोप मैं लगा पहले आरोप तेरे पे सर्कस वालों ने लगाया। क्या? वो लोग कह रहे हैं कि इनको हमने साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी और ये छोड़ के इधर भाग आया, 2 छोटे हाथी रो रहे, चाचू भाग गए। चलो चलो। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आप उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं चलो 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 चलो। ये आप किससे बोल रहे हैं? वो कंगना को देख के मेरा फ्लड बाहर निकल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चलो चलो आज नहीं निकलना, कंगना की तबीयत ठीक नहीं, फिर किस दिन ठीक होगी फिर फ्लड करें। चलो निकल भाई, उनको देख के तो फ्लड बाहर निकलता है, पता है? इसको देख के मेरी चप्पल बाहर निकलती है। तू चप्पल नहीं अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे। हाँ कंगना जी देखो, जैसे जैसे फैलता जा रहा है ना, इसकी गर्दन अंदर धंसती जा रही है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अपने आप को संभाल, वरना 6-8 महीने बाद ना कछुआ जैसा निकलेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.